यह कहानी दो परिवारों की है, दो अलग अलग परिवार जिसमें सदस्य तो एक बराबर थे, लेकिन एक परिवार में हमेशा झगड़ा होता रहता था, वहीं दूसरे परिवार में लोग बेहद सुख और शांति से रहते थे। यह दोनों परिवार एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। झगड़ालू परिवार की पत्नी हमेशा इस बात से अचंभित रहती थी कि जहां उनके घर में हर दिन कोई न कोई झगड़ा हो जाता था, वहीं दूसरी तरफ उनका पड़ोसी परिवार जो कभी नहीं झगड़ते। एक दिन उसने अपने पति को पड़ोसियों पर नजर रखने के लिए कहा, जरा पता करो इनके इतने शांत और मिलजुल कर रहने का कारण क्या है। पत्नी के कहे अनुसार पति अपने पड़ोसी के घर के पीछे छुप गया और खिड़की से उन पर नजर रखने लगा। खिड़की से झांक कर देखा तो शांत परिवार की पत्नी फर्श पर पोछा मार रही थी। तभी अचानक उसकी सास की आवाज सुनाई दी तो वह अपना काम छोड़कर अपनी सास के पास चली गई। उसी दौरान उसका पति उस जगह पर आया जहां वह पोछा मार रही थी और बाल्टी से पैर टकराने से गिर गया। पत्नी ने जब यह देखा तो उसने तुरंत अपने पति से माफी मांगी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है जो मैंने तुरंत फर्श से बाल्टी को नहीं हटाई। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती है, मुझे ही देख कर चलना चाहिए था। यह घटना देखकर उनकी खिड़की से झांक रहा झगड़ालू परिवार का पति सारी बात समझ गया। वह अपने घर लौट आया। जब उसकी पत्नी ने पूछा, तुम्हें पता चला क्या राज है? हाँ पता चल गया, हमारे और उनके परिवार में सिर्फ इतनी सी बात का फर्क है, जहाँ हम लोग हर छोटी छोटी गलती के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, उनके परिवार वाले हर गलती की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और माफी मांगने और उस गलती को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। परिवार हो या कोई और रिश्ता तभी अच्छे से चलता है जब अभिमान को दूर रखा जाए। हमेशा मैं ही सही हूँ और मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता, यह एटीट्यूड के साथ कोई भी परिवार या रिश्ता ज्यादा नहीं चल सकता।